हाई गाइज नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं नया व्लॉग। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं न्यू मार्केट। सो एक्चुअली मम्मी पिछले 2 महीने से कहीं नहीं गई है ना, कहीं नहीं गई ना, सिर्फ हॉस्पिटल घर घर हॉस्पिटल हॉस्पिटल घर घर हॉस्पिटल। तो वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो गई है, अभी कहीं जा भी नहीं पाती क्योंकि थोड़ा सा भी हम लोग भी अवॉइड कर रहे थे कि इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है तो इधर उधर नहीं लेके जाना है। बट कल क्या हुआ था, मैंने मम्मी से पूछा कि आपको टीनू की शादी में क्या पहनना है, क्या पहनने वाली हो। तो मैंने उनको बोला कि आप एक साड़ी ले लेना, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, बाहर निकलेंगी कुछ अपने पसंद का लेंगी। तो फिर कल मेरी मम्मी ने रात में जो मम्मी बात हुई तो कहती मैं नहीं चलूँगी, रश होगा, ये होगा, वो होगा। तो विक्की मुझे बोला था कि उनको आज लेके जाना, या तो मार्केट नहीं गई अगर वो तो उनको कहीं भी लेके जाना बट बाहर निकाल के कहीं लेके जाना। फिर मैं आ गई थी आज, मतलब मैं भी रहने के लिए आई हूँ 1-2 दिन के लिए। तो मैंने मम्मी से पूछा कि क्या करना है, चलना है नहीं चलना है। तो मम्मी बोलती क्या करूँ, चलूँ कि नहीं चलूँ। मैंने कहा चलो आप, तो चलो कुछ नहीं होता, मैं गाड़ी बढ़ा करके ले जाऊंगी उनको आराम से। और तो मैं वही अभी मम्मी और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए। मैं ये टॉप पहन के चली गई थी, बस नीचे मैंने जीन्स पहन लिया था और अभी मैं वापस से आकर के लोअर पहन ली हूँ। तो क्या हुआ है, मैंने एक साड़ी परचेस कर ली है, मैं पहनने वाली हूँ उसको रिसेप्शन में, जो टीनू के इनलॉस के साइड में रिसेप्शन होगा वहाँ पे मैं पहनने के लिए सोच रही हूँ उसको, क्योंकि वहाँ के लिए मेरे पास कुछ ड्रेस नहीं बचा है मैंने। तो अभी मम्मी ने परचेस नहीं करी कोई भी साड़ी, क्योंकि एक साड़ी हमको पसंद आ रही थी मम्मी के लिए, बट मम्मी बोलती कि इस टाइप की मेरे पास शायद कलर है, तो हम पहले कलर क्रॉस चेक करेंगे होगा नहीं होगा, नहीं तो मैं कल जब अपनी साड़ी पिक करने जाऊँगी तो हम वो साड़ी ले लेंगे, मैं परचेस कर लूँगी उसको, खरीद लूंगी। तो अभी मम्मी की साड़ियों का पिटारा खुला है एंड ओ माय गॉड, मैं अभी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने वो 5,000 की साड़ी खरीदी है। क्यों खरीदी है, क्योंकि इतनी एक से एक दो तीन, मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, इसमें से मैं आपको एक साड़ी बताती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई है, ये वाली, दिस साड़ी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ये सिल्क है कि बनारसी है, क्या है ये? ओके, तो ये सिल्क की साड़ी है एंड इसका ब्लाउज एंड पेटीकोट सब मम्मी के पास ऑलरेडी है। ये इतनी सुंदर लग रही है, इसका पल्ला इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं अभी तक पहनी नहीं है, तो मैं ये पहन लेती, मतलब पतला सा मस्त ऐसे जो स्लीवलेस वगैरह ब्लाउज होता है ना सिल्क की साड़ी में बहुत अच्छा लगता है, वैसा कुछ कॉन्ट्रास्ट में इसमें सिलवा करके पहन लेती, कितनी सुंदर लगती है ये साड़ी। ये देखो इन्हें सब ही निकाल दी है, सारी साड़ियाँ निकाल दी है, बाप रे। सिल्क है, प्योर सिल्क है, ये भी कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा है, ब्लू एंड ये बहुत प्रिटी लग रही है, मतलब एकदम ये हम लोगों ने ना अभी देखी थी वहाँ पर मार्केट में, इस तरह की साड़ी बहुत सुंदर लग रही है मम्मी, वेरी प्रिटी। सिल्क फेब लगा था उसमें से, ये हम लोगों ने एक सिल्क का वो लगा था, सिल्क एग्जीबिशन लगी थी, हाँ हैंडलूम वाली जो नहीं होती है ये वो साड़ी है। ये भी तो बहुत सुंदर लग रही है यार, मतलब ये नॉर्मली पहन सकते हैं अच्छा सा ऐसे स्टाइलिश ब्लाउज के साथ, ये बहुत सुंदर है। मेरे को जो जो पसंद आ रही है वो मैं साइड में करती जा रही हूँ, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, बट ये मम्मी टाइप की है सुंदर है, बट ये भी मम्मी टाइप की है। ये मेरे चॉइस की साड़ी है, अगेन नहीं, ये मेरे चॉइस की साड़ी है, ये भी मेरे जो मेरे को रिजेक्ट करनी ना, हाँ ये कब आई थी इसका ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी, मतलब यहाँ गर्ली पैटर्न है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी कितनी सुंदर लग रही है, लड़कियाँ ऐसे ढूंढती हैं भाई ऐसी साड़ियाँ। तुमने शादी में ली थी और हमारे मत्थे मार दी थी, ये भी तुम पहन सकती हो। मैंने रख ली जो जो मैं पहन सकती हूँ, ये सब आपने पहन ली है, तो इनके मैं ब्लाउज तैयार करवाऊंगी जब तक यहाँ हूँ भोपाल में, लेके जा रही हूँ जिसमें मैं अभी लेके ही चली जाऊंगी, मैं जब भी मुंबई जाऊंगी मैं ये वाली साड़ी ले जाऊंगी, कितनी सुंदर लग रही है, ये महेश्वरी है, ये अभी मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं है, कॉटन मिक्स है, ये कॉटन मिक्स महेश्वरी साड़ी है, जो रानी कलर होता है ना जो बहुत सुंदर लगता है ये वो कलर में, एंड इतनी लाइट वेट है, सबसे मेन तो ये लाइट वेट है, तो मैं ये ले जाऊंगी। ये वाली तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ एक बार आप पहन लो, टीनू की शादी में आप पहन लो, अभी तो पहनी नहीं है, है ना, पहनी ही नहीं है, नहीं अभी नहीं ले जा रही मैं, पर बहुत सुंदर है, रिच, इसमें खिल रही हूँ मैं, उसके लिए तो इसके लिए वैसे ही सिलवाऊंगी पतला, और एक ऐसा गोल्डन सा ले लूंगी जो अगर मुझे पहनना हो, जैसे कहीं ऐसी जगह पहनना हो तो मैं स्लीव वाला ब्लाउज पहन लूं, और कहीं हो तो मैं पतले स्ट्रिप वाला पहन लूं। ये भी मेरी पसंद की साड़ी है, ये तो मैंने ही पसंद करवाई थी, मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है, दिस इज काथा वर्क, ये वाली मम्मी मेरे को बोलती है ये वाली साड़ी को रिजेक्ट करते हैं, बताओ, और इसका पल्ला देखिए, मैं वही बोल रही हूँ भैया फेंको मत, आप साइड में रखो, मतलब एनीवेज कभी 2 साल बाद 3 साल बाद मुझे भी पहनना ही का मन होगा, लूंगी, तो इससे बेटर है कि ये सब साड़ियाँ
साइड में मैं रखवा रही हूँ जो जो मुझे पसंद आ रही है, और जो हम दोनों को ही नहीं पसंद आ रही है वो हम लोग निकाल देंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, जितनी भी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं जो मैंने पहन पहन के पहन ली दो दो बार, वो उनमें मैं बोर हो गई हूँ, वो मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी और मम्मी की उधर ट्रांसफर कर लूंगी, क्योंकि अब चेंज फॉर अ चेंज ट्रांसफर क्या कर दूंगी, रख देंगे, मैं तो पहनती नहीं हूँ वैसे साड़ी। हाँ, मम्मी भी नहीं पहनती वैसे साड़ी, मतलब वो एक मिस्टेक थी मेरी उस तरह की साड़ियाँ लेने का, इसलिए मैंने टीनो को लेने नहीं दी, सिर्फ उसने एक वर्क वाली साड़ी ली है। लेकिन तब मैंने कितना बोला था तुमसे सिलकर, लेकिन तुम मानी नहीं, तो मैं मानी नहीं थी, मैं अपनी पता नहीं किस में, मैं बोल रही ना, मैं उस टाइम मैंने ऐसी बेवकूफियां करी थी, जो मेरी फ्रेंड्स ने लिया वो मैंने लिया, दिमाग नहीं लगाया था मतलब बिल्कुल, और उल्टा मेरी मम्मी बोली थी, मम्मी का साड़ी सिलेक्शन काफी अच्छा है, मम्मी ने बोला था कि बनारसी ले ले, मैंने नहीं ली, सिल्क ले ले, क्योंकि उतने रेट में तो वो भी आ जाती, मैंने इतनी महंगी महंगी वो ले ली, और अभी मैं मतलब इतना रिग्रेट, इसलिए मैंने टीनू को बोला, मैंने कहा भाई तू ऐसी साड़ियाँ ले जो 12 15 साल 16 साल 20 साल बाद भी देखेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ची सुंदर साड़ियाँ क्यों है ऐसा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, तो आज है डे 2 यहाँ पे इस घर में, तो अभी मैं सुबह से उठ करके तो एडिटिंग ही कर रही थी, यहाँ पर बैठ करके मैं सब एडिटिंग वेडिटिंग कर रही थी। आज हम लोगों क्या बने हैं, छोले, ये मम्मी ने बनाए हैं, तो मेरा बहुत छोले पूरी पूरी खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था, तो मैंने पूरी का बोला था कि आज पूरी बनवाएंगे, पूरी के साथ अपन छोले भी बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी दोनों रहते हैं तो छोले वोले ये सब चीज़ें इतना नहीं बनाते कि कौन बनाए, नॉर्मल लौकी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो आज छोले पूरी बने हुए हैं। एंड ऑल्सो मेरे को लास्ट वीडियो में करवा चौथ वाले में, जिसमें मैं बार बार बिग बॉस का नाम ले रही हूँ, तो एक ने भाई दीदी ने कॉमेंट किया, आपको बिग बॉस पेड प्रमोशन करा रहा है, वेरी बैड ऑफ यू, एंड ये और वो, मैं सोच रही मुझे इतनी हंसी आ रही थी, भाई कोई पेड प्रमोशन नहीं करा रहा, बिग बॉस क्यों हमको पेड प्रमोशन कराए, उनको क्या जरूरत है, और मतलब ऐसा नहीं है कि एज अ यूट्यूबर जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो सब पेड ही होता है, मतलब कुछ मन से भी बोलता है इंसान, और पेड प्रमोशन नहीं था भाई, पेड प्रमोशन होता है तो मैं बोलती हूँ कि पेड प्रमोशन है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है कोलैबोरेशन है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था, मन से बोल रही थी मैं, देखती हूँ। तो ये रहे छोले, और इसे मैंने अनियन कट कर दिया है, एंड दिस इज पूरी। मैं बैठ के खाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि डाइनिंग टेबल में नहीं बैठती हूँ, टीवी देखते हुए खाना खाऊंगी, और मजा आ गया। चलिए गाइज, मैं पहले तो फूड एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइज, तो अभी मैंने कुछ सामान मंगवाया, यूजुअली क्या होता है ना कि मम्मी के लिए, मेरे लिए, टीनू के लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए मैं सूट वूट ले आती हूँ, तो लेकिन हमेशा इन सब में कौन रह जाता है, पापा लोग रह जाते हैं, तो इस बार मैंने अपने पापा को स्पेशली पूछा था कि आपको कुछ चाहिए, तो उनको वो कभी भी शॉपिंग नहीं करते, सारी टी शर्ट्स मैं ही उनके लिए लेके आती हूँ, एंड ऑल पहले से ही मतलब एक रिचुअल है कि मैं जो टी शर्ट लाती हूँ वो पहन लेते हैं मेरी चॉइस की, तो इस बार मैंने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बोला उनको ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल शर्ट्स चाहिए, तो अरे ठीक है, आप वो पूरी जो भी पुरानी है वो निकाल देना, और मैंने ऑफिस के लिए उनके लिए कुछ शर्ट्स मंगवाई हैं। आपने देखा होगा कि मैं एक वॉलेट यूज़ कर रही थी फॉसिल का, एकदम छोटा वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो अभी भी मैं कंटिन्यू करूंगी, बट क्या हो रहा था, जैसे मुंबई में मैं बैग्स, अगर स्लिंग बैग भी यूज करती थी ना, तो थोड़े बड़े साइज के स्लिंग बैग यूज करती थी, ताकि यू नो यूजुअली या तो ऑटो में जाना है या कार में जाना है, टू व्हीलर में जाने का कोई सेंस नहीं होता था, अभी यहां पर मैं इधर से उधर, जैसे मेरे घर से मेरी मदर इन लॉ के यहाँ छोटा मोटा मार्केट जाना है, तो हम लोग टू व्हीलर में जाते हैं, तो टू व्हीलर में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ वॉलेट एंड मोबाइल रखना पसंद करती हूँ, बाकी कुछ और सामान रखना पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझे एक ऐसा स्लिंग बैग चाहिए था छोटा सा, जिसको मैं कहीं पे भी जाऊँ, लोअर टी शर्ट में भी जाऊँ या मार्केट वार्केट जाऊँ, तो उसको मैं कैरी कर सकूँ, सो आई गॉट दिस स्लिंग बैग, दिस इज़ फ्रॉम बैगेट, और अभी आपको पूरा फुल है ये, मतलब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले इस सेक्शन में आते हैं, तो ये एक सेक्शन है जहाँ पर मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है, मेरा मोबाइल आराम से आ जाता है, ये है, यहाँ से हम जिप ओपन करेंगे, एंड मेरा एक और मोबाइल यहाँ पर आ गया है आराम से, बिकॉज आई कैरी टू मोबाइल, एक मेरा पर्सनल है और एक जो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा कैश वगैरह रखा हुआ है, देन यहाँ पर आप काफ़ी सारे अपने कार्ड्स रख सकते हैं, बिकॉज मैं अब इतने कार्ड्स यूज़ ही नहीं करती हूँ, ना मैं ले रखती हूँ अपने पास, तो मेरे पास नहीं अननेसेसरी कोई भी कार्ड, सिर्फ मेरा एक डेबिट कार्ड है, मेरा एक लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, और एक आई गेस, हाँ एक मेरी ये वाली जो रिंग है ना, इसका डायमंड प्रूफ कार्ड है, आई डोंट नो मैं क्यों अपने पास रखती हूँ, बट मैं ये अपने पास रख के चलती हूँ, हमेशा से मेरे वॉलेट में ही रहता है ये, पर एक कॉइन्स सेक्शन दिया हुआ है, एक और जिपर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है,
यहाँ पर आप अपनी कीज वगैरह वो रख सकते हो, तो ये वॉलेट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आप देखेंगे, तो यहाँ से इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको बड़े बैग में रखना है तो आप इसको रिमूव करके आराम से एज अ वॉलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज अ स्लिंग बैग की तरह यूज़ करती हूँ, बिकॉज वॉलेट मुझे पतले और छोटे पसंद हैं, इतने बड़े बड़े वॉलेट्स आई डोंट लाइक। अब मैं आपको इसकी एक और ड्रॉबैक बताती हूँ। जब ये आया, जिस दिन मैंने इसको यूज़ किया, उसी दिन जब मैं मार्केट में इसको लेके घूम रही थी, मतलब मैं ऐसे बढ़िया ऐसे हैंग करके मेरा मोबाइल मेरा सारा पैसा वगैरह इसमें रखा हुआ और मैं घूम रही हूँ, और धड़ाम से ये नीचे गिर गया था ऐसे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हुक टूट चुका था। तो ये मैंने जो लोकल वो होते हैं ना, जो शूज़ वगैरह रिपेयर करते हैं, उन भैया से ठीक करवाया है। तो इसकी जो ये वाली क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अगर आप लेते हैं, वैसे बहुत अच्छा है, मतलब मल्टीपर्पज़ आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सुंदर सा है। तो अगर आप लेते हैं तो मेक श्योर कि इसमें आप पहले ही सिलाई लगवा लें। ये है फर्स्ट शर्ट, जो कि काफ़ी प्यारा सा ऐसे मिंट कलर जो होता है ना, मिंट ग्रीन कलर होता है, लाइट कलर वो है। तो उनको वैसे फुल स्लीव्स की सिर्फ दो चाहिए थी, एंड बाकी की जो चार चाहिए थी वो हाफ स्लीव्स की चाहिए थी, बिकॉज हाफ पे क्या होता है ना, वो काम वाम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये है फर्स्ट शर्ट। उसके बाद जो सेकेंड शर्ट है वो है ये वैन ह्यूसन की। नाउ दिस इज अ लाइट पर्पल कलर, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैन ह्यूसन की हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है पापा के लिए। इवन इसका इस ब्रांड का भी विक्की ने भी कोई शर्ट वगैरह फॉर्मल नहीं पहना है, तो ये वैन ह्यूसन का है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी इसकी। उसके बाद जो बाकी की दो शर्ट्स हैं, मतलब वो इतनी ज़्यादा मेरे पापा को पसंद आई कि उन्होंने वॉश भी कर ली है, सब निकाल निकूल करके, मतलब ताकि वो कल अगर उनको पहन के जाना हो तो वो पहन के भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कॉटन लिनन है, बट इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, मतलब इसका उनको पर्सनली फैब्रिक बहुत पसंद आया है। तो ये है नेक्स्ट शर्ट, पिक्चर में डाल दूंगी अगेन इसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट शर्ट है वो है ये सिंबल ब्रांड की है, सिंबल इज़ अ ब्रांड ऑफ अमेजन ओनली। तो अगेन इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ भी ना तो ये श्रिंक हुए हैं, ना ही इनमें से कोई कलर निकला है, कुछ भी नहीं निकला है। तो क्वालिटी वगैरह सबकी बहुत अच्छी है, बिकॉज सब वॉश हो चुके हैं, तो वॉश होने के बाद एग्जैक्ट क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ इसकी। तो ये है नेक्स्ट शर्ट पीस। सो येस, अगर आपको कोई पसंद आता है आपके हस्बैंड के लिए, आपके फादर के लिए, आपके ब्रदर के लिए, आप ऑर्डर कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये फॉरेस्ट एसेंशियल का फेशियल उपटन। तो मैं अभी तक दो इनके उपटन ट्राई कर चुकी हूँ, और दोनों में से आई थिंक दोनों ही ट्राई कर चुकी हूँ, दोनों मुझे अच्छे लगे। स्पेशली मुझे ना नारंगी वाला था ना, ऑरेंज पील एंड वो वाला, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। तो ये सौंदर्य उपटन भी इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे, तो मैंने सोचा मैं इसको अब इस बार ट्राई करके देखती हूँ, बिकॉज वो मेरे आधे आधे खत्म हो चुके हैं। तो इट्स अमेजिंग, यू नो, कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं इनके प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली, बिकॉज मैं पिछले आई थिंक मोर देन 7 months से मैं इन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम प्रिटी लाइकिंग इट, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, इनके कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो एक्चुअली आज हम मार्केट भी गए थे ना, तो मतलब मम्मी के पास ना एक ये इस तरीके का इयररिंग्स था, वैसे वो आर्टिफिशियल बहुत, कॉलेज वॉलेज जाती हो तो अब पहनती हो ना, उनके पास ना एक ये बहुत सुंदर से इयररिंग्स थे। ये देखिए ये जो इयररिंग है, ये इनका बहुत सुंदर इयररिंग था। तो हम लोग आज क्या करके आए हैं, इसी तरीके का इयररिंग, इसमें मैंने थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे हम कस्टमाइज करके कोई ज्वेलरी बनवाने वाले हैं। तो इतना बड़ा तो नहीं बनेगा क्योंकि बजट ऊपर हो रहा था, तो थोड़ा सा इससे साइज छोटा, लेकिन इतने साइज का यहाँ पे पेंडेंट बनवा रहे हैं, और सेम ऐसी पर्ल्स वगैरह लगवा करके बकायदा। देखो आर्टिफिशियल इतनी सुंदर लग रही है, तो रियल में तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। तो इस ऐसा पेंडेंट सेट बनवा रहे हैं कि मम्मी भी पहन पाए और मैं भी पहन पाऊँ। बन के आ जाएगा ना तब मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी, तो मतलब टाइम लगेगा, बट हमने उनको बोला टीनू की शादी से पहले आप दे देना, तो वैसा है ये। एंड काफी मतलब मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि शायद बहुत सुंदर डिजाइन लगेगी ये वाली। हे गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ डीबी मॉल, मतलब मॉल जा रहे हैं कुछ एक आध सामान लेने के लिए। तो आज मैं मम्मी को लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि मॉल में तो रश इतना रहता नहीं है, दिन में तो बिल्कुल, यहाँ पे भोपाल में दिन में वीकडेज में इतना रश नहीं रहता है, मतलब अगर आप कंपेयर करो मेट्रो सिटीज से। यहाँ जब मैं पहले रहती थी तो मुझे ये भी रश ही लगता था, बट अभी क्योंकि मैं बाहर रहने लगी तो उससे कंपेयर करती हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब सुनसान रहता है, इस तरीके का रहता है। वहाँ से ये आपको दिखाती हूँ, मेरे जो एक ज्वेलर भैया हैं उनके यहाँ से ये लेकर गई थी टोरिंग्स। तो मैं हमेशा दिवाली के टाइम पे खरीदती हूँ, साल भर चलती है मेरी, और फिर उनको चेंज कर देती हूँ नेक्स्ट ईयर के। उसमें ऐसे डिज़ाइन है, मुझे एकदम सिंपल वाले जो टोरिंग्स आते हैं ना वो पसंद आते हैं, बैंड्स ही पहनती हूँ और मैं, जो मेरे शूज़ एंड फुटवेयर में चुभे ना मुझे। उसके बाद जो दूसरा पैटर्न मैंने लिया है वो ये लिया है, अगेन दिस इज़ अ प्लेन बैंड, और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद जो तीसरे डिज़ाइन मैंने ली है वो ये ली है, दिस बैंड। तो इसको मैं अभी पहन लूँगी, दीज थ्री।
कल मैं एक और मम्मी के लिए सूट भी लेकर के आई थी जो मेरी चाची की तरफ से था. उन्होंने मेरे को कॉल कर दिया था कि मम्मी के लिए कुछ ले लेना सूट वूट बर्थडे गिफ्ट उनका. एक साड़ी जो ये है वो मेरी मासी के बेटे की तरफ से है. वो मम्मी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि होता ना जैसे जॉब लग जाती है तो पैसे देना. हाँ जैसे इन्हीं का बेटा हो जॉब लग गई तो अपनी सैलरी में से पैसे दे देना. साल में कुछ आया है तो चलो ये मौसी आपके लिए पैसे बर्थडे में पैसे देगा कुछ खरीद लेना ऐसे. तो यह सब हम लोग निकलते हैं डीबी मॉल. जो हम लोग साड़ी लेकर के आए हैं वो है ये. कौन सा सिल्क है ये क्या बोले थे वो कौन सा फैब्रिक है ध्यान नहीं आ रहा. कुछ और सिल्क बोले थे वो तो. और ये इसका ब्लाउज है ये मम्मी ने लिया. बहुत मतलब बहुत ही प्यारी सी वीविंग दिया हुआ है इसमें. बहुत स्मार्ट पीस है. तो ये हमको अप्रोक्सीमेटली 5000 की पड़ गई है. बट बहुत बहुत ही प्यारी. उसका पल्ला वगैरह देखो बहुत सुंदर है. पल्ला इज वेरी ब्यूटीफुल. ये इस तरीके की साड़ी है. रिसेप्शन में या तो रिसेप्शन या फेरा जो भी है अभी डिसाइड नहीं किया है. बट उसी में से किसी में कुछ मैं पहनेंगी. मैं तो मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी के पास इतने सारे लहंगा रखे हुए हैं पहन डाला लहंगे महंगे भी. ओके गाइस तो ये वाला जो वीडियो है यहीं खत्म करते हैं. आज मैं वापस जाने भी वाली हूँ वहाँ पर क्योंकि अब हम लोग जो वीकेंड आ रहा है उसमें संगीत की प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.